बताना मत क्या होता है, बस बोलते रहना, बस वो लगाते हैं वो। चलो निकले यहां से, मुझे डर लग रहा है भूत आ जाएगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या देख रही हूँ, जो ये दो घरों के बीच में जगह बनी है, इसको गढ़वाल में हमारे उत्तराखंड में कोलण बोलते हैं, जहाँ हम बचपन में खूब खेला करते थे और ख़ासकर छुपम छुपाई। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि शहरों की भागदौड़ में लोग फंस से चुके हैं और उत्तराखंड के इन सूने घरों को प्रकृति ने अपने आँचल में समेटना शुरू सा कर दिया है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये 100 साल से ही पुराना है और उत्तराखंड में ऐसे सूने घर कई मिल जाएंगे। चलो इस घर से कुछ बातें करते हैं, और क्योंकि हर घर कुछ कहता है, चलो। ये जो आप बरामदा देख रहे हैं, इसमें पुराने जमाने में पूरा परिवार एक साथ में बैठकर खाना खाता था, और उस ज़माने में परिवार में 8 से 10 लोग रहते थे, और यहाँ पर चूल्हा हुआ करता था जहाँ पर मम्मी और दादी रोटियाँ बनाया करती थी। और ये पूरा मिट्टी का बना है, और ऊपर ये जो छत बनी है ये लकड़ी की है पूरी, और ये जलट, गढ़वाल में इसको जलट बोलते हैं उत्तराखंड में, और इसमें हम जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको रख सकते हैं, जैसे गिलास, कटोरी और मोमबत्ती कुछ भी। और ये अंदर वाला कमरा है, इसमें पुराने ज़माने में लोग बर्तन रखते थे, खाने के बर्तन, और पानी, गागर, बाल्टी। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, जो ये नाली दिख रही है आपको, इसमें जब बरसात में बहुत बारिश होती है और अंदर पानी पानी हो जाता है तो इस नाली के रास्ते वो बाहर आता है, ये इसलिए बना रखी है। और ये चटगनी है, और इसको गढ़वाली में संगलू बोलते हैं, और मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ। इसके दरवाजे बहुत ही भारी हैं, ये पुराने ज़माने की लकड़ी के हैं ना, इसलिए मैं अंदर के कमरे में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा और मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरे हस्बैंड जाके अंदर के कमरे को दिखाएंगे आप लोगों को, तो जाइए ना। तो राशि ने आपको कई चीज़ें बता दी होंगी, ये बहुत ही पुराना घर है, 100 साल से पुराना है, जहाँ पर कोई भी अब रहता नहीं है। सो ऐसे सुने घर जब मैं देखता हूँ तो मेरा खुशी के आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि इन घरों की मिट्टी से भी मुझे प्यार है। सो इस कमरे में राशि जा नहीं पाएगी, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो आइए मैं आपको ले कर चलता हूँ, मेरे पास टॉर्च है। सो आराम से आना, भूत ना हो यहाँ, एक सेकेंड। तो ये रहा कमरा, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप देख सकते हो इसमें रुद्रांश अंदर मत, अंदर भूत है। इस कमरे में पूरा परिवार रहता था, और मैं आपको चूल्हा दिखाता हूँ जो अभी भी है। राखी अंदर आ सकती हो, राशि अंदर आ सकती हो आप थोड़ा सा। ये चूल्हा है, ये पुराने ज़माने का, जिसमें अभी भी मुझे लगता है कुछ दिन पहले लकड़ी जलाई गई है, ताकि घर में जितना भी पानी से थोड़ा बहुत ये मॉइस्चर हो जाता है ना, पानी से गीला गीला हो जाता है घर ना, तो किसी ने लकड़ी जला रखी है ताकि घर में ज़्यादा कीड़े ना आए, तो धुआं करके रखते हैं लोग घर पर, जो छोड़े हुए घर है। और यहाँ पर लकड़ी रखी जाती थी जब खाना बनता है ना, बनता था पुराने ज़माने में, जो अब नहीं होता, अब कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आग जलती थी और यहाँ पर लकड़ियाँ गर्म होती थी। सो उस वक्त तो लाइट भी नहीं हुआ करती थी, और उस वक्त क्या था कि चिमनियाँ और लालटेन हुआ करती थी पुराने ज़माने में, है राशि? हाँ, और कई लोग तो कई लोग तो इधर बर्तन रखते थे, इस साइड को बर्तन रखते थे, और जो थाली होती है ना, सूरज की रोशनी आती थी उस थाली पे, और उस थाली का रिफ्लेक्शन जो होता था पूरे घर पे जाता था, और इस तरीके से घर में उजाला होता था।
सो आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके की नालियाँ बनी हुई है, ये दिख रहा है कैमरे में। सो इन नालियों में पानी आता था ना जब बारिश में, बहुत ज़्यादा बाढ़ में, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से रिस करके बाहर निकल जाता था। और यहाँ पर खाने पीने का सामान, मसाले, और पुराने ज़माने के लोग पानी की बाल्टी, गागर और सिलोट होता है ना, सिलोट जिसमें मसाले पीसते हैं, जिसमें मसाले वो रखते थे इसके नीचे। और यहाँ पर सारे चाय पत्ती, चीनी, और ये देखिए ये कुछ गांव के लोगों की चीज़ पुराने ज़माने की जो अब यूज नहीं होती है। ये आपको पता ही चल गया होगा, इनको हमारे गढ़वाल में ठेलुक बोलते हैं, है ना राशि? हाँ। मैं दिख रहा हूँ दिख रहे हो। ये ठेलुक होता है, इसमें जब यहाँ पर पूरा परिवार खाना खाता था सर्दियों में, पूरा परिवार जब सर्दियों में खाना खाता है तो इन्हीं के ऊपर ऐसे करके बैठ के आराम मिलता है। जैसे एक यहाँ पर बैठ गया और एक यहाँ पर बैठ गया, जैसे बीच में खाना खाया जाता था। और पता है इतने छोटे घरों में 10 से 12 लोग रहा करते थे, और प्यार से, मोहब्बत से, बातें हुआ करती थी, और कोई भी शहरों वाली बातें नहीं जिसमें टेंशन हो, सब मस्ती करते थे। और भूतों की कहानियाँ, पुरानी कथाएँ, कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ सब लोग सुनाया करते थे, और टाइम पास किया करते थे। ना कोई टीवी, ना कोई फ़ोन, ना कोई इंटरनेट, कुछ नहीं। ये था, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं 1950 में पहुंच चुका हूं। और मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आप इस कल्चर को महसूस कर सकें। रुद्रांश अंदर नहीं आ रहा क्योंकि उसको डर लग रहा है, तो चलिए बाहर चलते हैं। उधर क्या है वो बताना मत क्या होता है, बस बोलते रहना, बस वो लगाते हैं वो। चलो निकले यहाँ से, मुझे डर लग रहा है भूत आ जाएगा। नहीं, निकलो अंदर दोस्तों, मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। ठीक है, ये मैं बंद कर देता हूँ दरवाज़ा, और ये संगुल होता है, इसको हमेशा ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे। हाँ, और देखो ना इतने नीचे क्यों बनाते थे ना पुराने ज़माने के, जबकि पुराने ज़माने के लोगों की हाइट बहुत बड़ी होती थी। बट देखो यहाँ पर खड़ा होना ही मुश्किल है, बट उनको कोई टेंशन नहीं हुई। मुझे लगता है कि इतने नीचे बनाना सही नहीं है, तभी पुराने जो बूढ़े लोग होते हैं वो बुढ़ापे में ऐसे ऐसे करके चलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक होता है ना प्रैक्टिस, आप डेली ऐसे चल रहे हो तो फिर कुछ टाइम बाद आप ऐसे ही चलने लग जाते हो। जैसे ये अगर आप देख सकते हो तो मिट्टी का बना हुआ है, कहीं पर भी क्रैक नहीं होगा। अगर आप नए घरों को देखोगे तो नए घरों में क्रैक से होते हैं, बट ये पुराने जो घर होते हैं ना इनमें क्रैक नहीं होते हैं, ये अभी भी वैसे ही फ्रेश लगते हैं। और इनको मिट्टी से लीपा जाता है, ये लकड़ी है, इनको मिट्टी से लीपा जाता है, मिट्टी और गोबर से लीपा जाता है इनको, कोई रहता नहीं, इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा निकल रहा है, बट ये बहुत मजबूत है, ये सिर्फ मिट्टी निकल रही है, अंदर का पत्थर नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर वाला हिस्सा इसका, ये देखो सीढ़ियाँ, देखो कितनी प्यारी है, वाह कितने छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं ना, और इतनी प्यारी और बहुत ही ज़्यादा मजबूत। फैड़ी बोलते हैं इसको गढ़वाल में फैड़ियाँ बोलते हैं, फैड़ियाँ। तो रुद्रांश भी वो फील कर रहा है, हर जगह आपको ये मिल जाएंगे, इनको जलोट बोलते हैं हमारे यहाँ, कुछ जैसे मोबाइल है ना, मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया तो रखने के लिए। और ये देखो बरामदा, यहाँ पर भी लोग सोते थे गर्मियों में, जब गर्मी होती होगी। वैसे ये अंदर का कमरा बंद है तो ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, ओके, बट यहाँ पर लोग बैठ करके बातें करते थे, सोते थे। और ये आप देख रहे हो मिट्टी, ये मिट्टी से बना हुआ है पूरा, और ये ऊपर लकड़ियाँ हैं, यहाँ पर छाता रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए, लालटेन। रुद्रांश देखो तुम्हारे पैर में देखो लगा हुआ है वो, और मिट्टी मत फेंको नीचे। और यहाँ पर सामान रखने के लिए होता था, जैसे कुल्हाड़ी, दथड़ी, घास काटने की दथड़ी हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, और छाता हो गया, इस तरीके के छाते गढ़वाल में होते थे। तो यहाँ पर, और ये देखो पूरा लकड़ी का है, इतनी मजबूत लकड़ी है। ये आलमारी है, ये बंद कर रखी है, बट यहाँ पर आलमारी हुआ करती थी। और पता है दोस्तों अभी इन घरों में कोई नहीं रहता, तो जब कुत्ते लोग यहाँ पर सोते हैं ना तो बाघ यहाँ पर भी आता है, कई बार बाघ की और कुत्तों की आपस में लड़ाई हो रखी है। तो आप ये चीज़ें देख रहे हो, ये बाघ और कुत्तों की लड़ाई, ये झड़प जो होती है ना उसके निशान है ये। सो यहाँ पर बाघ भी आता है, बट डरने की जरूरत नहीं, अभी
दिन हो रखा है, तो इस वक्त नहीं रात की बात है, क्योंकि आजकल कोई गांव में रहता नहीं है। बोलो। आई होप आपको हमारा छोटा सा टूर पसंद आया। हमारा ही तो है, घर का टूर। आई होप आपको ये छोटे से पुराने घर का टूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यस, आई लव यू गाइस, लव यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखिएगा इस लॉकडाउन में, है ना। बाय गाइस, बाय कर दो ऋतु, बाय करो, बाय बाय, लव यू, लव यू।